हमारे हर एक कॉलेज में सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए और हमारे जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड होने चाहिए और हमारे गर्ल्स के लिए फ्री एजुकेशन होना चाहिए। सारी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो गर्ल्स वॉशरूम को लेकर के हो, डिस्पेंसरी प्रॉब्लम हो, चाहे उनकी मेडिकल फैसिलिटीज हो या फिर उनकी एजुकेशन से रिलेटेड हो या उनके फैकल्टीज हो, वो सब पे हम काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, मैं हूँ आपके साथ मानसी। बता दें कि पटना यूनिवर्सिटी का जो इलेक्शन है वो 19 नवंबर को उसका मतदान होना है। ऐसे में बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने अपने अलग अलग पद से खड़े हुए हैं और हर किसी की ये उम्मीद है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए बहुत कुछ करें, बहुत सारी सुविधाएं दें। तो मेरे साथ यहाँ इस वक्त मानसी जो मौजूद है, जो उम्मीदवार हैं, आइए चलते हैं उनसे जानते हैं कि वो किस चीज़ के लिए खड़ी हुई हैं और क्या कुछ करने वाली हैं। मैम आप बताइए, आप किस पद के लिए खड़ी हुई? मेरा नाम मानसी जो, हम अध्यक्ष पद की उम्मीदवार हैं। तो अगर आप जीत जाती हैं तो क्या कुछ करेंगी आप छात्र छात्राओं? सबसे पहले हम एडमिशन की प्रक्रिया से शुरुआत करेंगे कि जब हमेशा जब स्टूडेंट आते छात्र आते हैं तो एडमिशन से ही शुरुआत होती है। लेकिन देखिए, जो जिसे कि किसी छात्र को अगर ज़रूरत होती है, जैसे कि उनको केमिस्ट्री चाहिए तो उनको बॉटनी मिल जाता है, बॉटनी चाहिए तो जूलॉजी मिल जाता है, मन चाह सब्जेक्ट नहीं मिल पाता उन लोगों को, जिस वजह से उन लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हो सकता है बहुत लोग हैं बीए के स्ट्रीम से आते हैं जो उनको बीएससी मिल जाता है, कोई बीए के स्ट्रीम से होते हैं उनको बीबीए मिल जाता है, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये हमें ग्राउंड रिपोर्ट हमने देखा है, एज अ काउंसिलर तीन साल मैंने वर्क किया तो मैंने देखा है इस चीज़ को कि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है एडमिशन को। और ये दूसरी बात हमारी होगी कि प्रशासनिक व्यवस्था जो है हमारे विश्वविद्यालय में, हमारे हर एक कॉलेज में सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए और हमारे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड होने चाहिए और हमारे गर्ल्स के लिए फ्री एजुकेशन होना चाहिए। यस, ये बताइए, ऐसे तो आप पटना यूनिवर्सिटी के लिए मतलब खड़ी हैं, तो मगध महिला कॉलेज से हैं या फिर पटना कॉलेज? जी, अभी तो हाल ही में मतलब यहाँ से मेरा पास आउट हुआ है हिस्ट्री डिपार्टमेंट से, अभी हम दरभंगा हाउस फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हैं। जी, तो और लड़कियाँ जो हैं उन लोगों के लिए, अगर ये वुमेंस कॉलेज है तो सारी लड़कियों की जो फैसिलिटी होती है वो होनी चाहिए, तो क्या अभी यहाँ पे है? जी, जो फैसिलिटीज़ की कमी है उन्होंने, मैंने एज अ काउंसिल मेंबर यहाँ रिप्रेजेंट किया 2019 में, मैंने 1000 वोट से जीता था इलेक्शन 2019 में, तो मैंने पूरी की कोशिश की है करने की जितना हमसे हो सकता है एज काउंसिल मेंबर। और आगे हम आते हैं तो जितनी सारी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो गर्ल्स वॉशरूम को लेकर के हो, डिस्पेंसरी प्रॉब्लम हो, चाहे उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ हो या फिर उनकी एजुकेशन से रिलेटेड हो या उनके फैकल्टीज़ हो, वो सब पे हम काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा बेस्ट विशेष है कि आप ज़रूर जीते, क्योंकि आप एक लड़की हैं और लड़की होने के बावजूद जो है आप लड़ रही हैं, तो मेरा विश है कि आप ज़रूर जीते। बताइए आप लोगों को क्या उम्मीद है, क्या कुछ चाहिए आप लोगों को? मानसी दी ने अभी तक हम लोग के लिए जितना किया है वो काफ़ी है, और ज़्यादातर कैंडिडेट जो होते हैं ना वो पहले वोट जीतने के लिए कुछ भी बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, अगर प्रेसिडेंट बन गए तो हम कुछ बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन मानसी दी ने पहले करके दिखाया है, उसके बाद वो वोट मांग रही हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि वो हर लड़के के बराबर एक हैं, ये इंडिपेंडेंट लड़ रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, तो मानसी दी ही जीतेंगी। बताइए क्या उम्मीद है आपको मानसी से? जहाँ हम बोलते हैं कि दूसरे कैंडिडेट के प्रति मुझे जहाँ उम्मीदें ख़त्म होती हैं वहाँ से इनका दिखाई देता है, क्योंकि जब कोई साथ में सपोर्ट में नहीं था उस समय मानसी जी ने हमारा सपोर्ट किया, और मैं एज ए काउंसलर मैं भी यहाँ पे ये कैंडिडेट हूँ और मैं उनका पूरा सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो कोई नहीं कर सकता है वो एक कर सकती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग लड़कों से उतना खुलकर अपना नहीं शेयर कर पाएंगे, एज ए फेमिनिस्ट हम लोग जितना इनसे शेयर कर पाएंगे कोई भी प्रॉब्लम कोई भी सिचुएशन, मुझे नहीं लगता और किसी के पास शेयर करने का मुझे और अच्छा ये है, तो मैं पूरा सपोर्ट कर रही हूँ और मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट कैंडिडेट है प्रेसिडेंट के लिए, और प्लीज़ इन्हें वोट सपोर्ट करें और ये जीतेंगी, पक्का जीतेंगी, जरूर जीतेंगे। बताइए क्या कुछ उम्मीद है आपका मानसी से? ज़्यादा कुछ नहीं, बस जीत जाए, इतना ही उम्मीद है। बताइए क्या उम्मीद है? उम्मीद सब सारी उम्मीदें तो इन्हीं पर है, पूरा पीयू इनकी उम्मीद पर टिका हुआ है, इनको पूरा पीयू डोल रहा है, मानसी मानसी बोल रहा है, पूरा पीयू डोल रहा है, मानसी मानसी बोल रहा है, मैं भी मानसी, मैं भी मानसी, मैं भी मानसी, मानसी। आपने देखा मानसी झा जो है एक लड़की है और लड़की होने के बावजूद ये लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ कर रही है। मैं अभी यहाँ इनसे मिली और इनके ग्रुप से मिली, सबकी काफ़ी उम्मीदें हैं इनसे, ताकि इन लोगों का कहना है कि लड़कियाँ हर कुछ लड़कों से शेयर नहीं कर सकती है, इसलिए वो चाह रही है कि वो मानसी जीते। इसी तरह के छोटे बड़े खबरों के साथ देखते रहे NBC 24। नमस्ते प्रणाम, मैं हूँ आपकी अपनी अक्षरा सिंह, और बहुत खुशी की बात है मुझे ये कहते हुए वेलमेटिक हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के फ्लैगशिप ब्रांड जैसे वेल एक ऑर्थो ऑयल, एश वेल रस, शेव वेल क्रीम एंड शेव वेल
लोशन की लॉन्चिंग होटल मौर्या में 16 नवंबर को हो रही है। मैं किसी कारणवश आप लोगों के बीच नहीं आ पा रही हूँ, परंतु मैं जल्द ही आपके बीच आऊंगी। मेरे तरफ से कंपनी के चेयरमैन मिस्टर मुस्तफा हुसैन जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और यही आशा करती हूँ कि ये कंपनी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।